हेलो गाइस, मैं हूं आप लोगों का होस्ट निशांग और आप लोग देख रहे हो निशांग एफएफ यूट्यूब चैनल। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले 1v1 निक 99 यानी कि डिमोन एफएफ के साथ में। तो चलिए मिलते हैं मैच शुरू होने के बाद। ओके, तो भाई हमारा मैच यहां पर चालू हो चुका है और जो निक 99 है ना वो बहुत प्रो प्लेयर है, ऐसा वैसा प्लेयर नहीं। मैं उसके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। और अभी यहाँ पर मैच चालू हो चुका है तो देखते हैं मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो अभी सामने की तरफ है हमारा अपोनेंट और ये बच गया। ओके, निकल निकल निकल, अब भी बच गया। इसको ना M500 से ही मारूंगा। चलो भाई चैलेंज दिया मैंने इस बार मैच में M500 से ख़त्म करूँगा। बच रहा है, छोड़ूंगा नहीं M500। भाई खतरनाक वाला डैमेज मारूंगा तो M500 से, इस बार भी तो लगा ली भाई। अब ये कहा था ना भाई M500 से ही मारूंगा, तुम्हारा भाई प्रूव है ऐसा वैसा थोड़ी। और जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। ओके, तो हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं मैं इस राउंड में क्या करता हूँ। ओके भाई, तो अभी सामने की तरफ हमारा अपोनेंट है दोबारा से और इस बार डेजर्ट ईगल से मारूंगा। तुम्हारा भाई प्रो यार है, डेजर्ट ईगल से ही मारूंगा देखना। ये बचा, ठीक है भाई, एम लग नहीं रहा है अभी, फिर से बच गया यार। ऐसा ना मैं ही मर जाऊँगा, अरे यार लग रहा है यार मैं ही मर जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत तगड़ा खेलता है यार। कहाँ गया कहाँ गया, पैक हो गया क्या, पैक कर क्या कर रहा है भाई। मैंने मारा भी नहीं, पैक ठीक है निकला। और फर्स्ट देखा भाई, कहा था ना यार प्रो हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे तो ऐसे ही मारता हूँ, वैसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा कर रहा हूँ। चलो भाई एक चैलेंज लेते हैं, मैं इस मैच को हेडशॉट से जीतूंगा, मतलब मैं हर राउंड में उसे हेडशॉट ही मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सामने की तरफ है एनिमी और डेजर्ट ईगल से मैं इसे उड़ा दूंगा और बच गया पूरे भाई साहब। हेलमेट दे दिया इसने तो मेरा, कर दी तरीके से। मेडी कर लेता हूँ सबसे पहले, क्या पता मैं ही मर जाऊँ। नू वॉक कर रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ईजी नहीं हो रहा मेरे लिए, मतलब मैं उसे आराम से मार रहा हूँ यार। ओके, उसका इमोजी का रिएक्शन देखो ऊपर, मतलब वो मुझे खोलने वाला है इस राउंड में ढंग से। भाई हमारा काफ़ी देर से राउंड चल रहा है और इसमें कोई जीतने वाला, ओ भाई मैं खत्म उड़ा दिया यार। मुझे लग ही रहा था यार मैं मरूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा था। नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और फिर से हमारी लड़ाई होती हुई। और भाई कितना तगड़ा हिट लगा, इसकी हिट भी बहुत कम है। अरे यार पैक हो गया, ठीक है। तो वो पैक में से निकल चुका है जो उसने ग्लूबल का बनाया था। और सामने निकल भाई, निकल ना, डर गया क्या, निकला। M500 से मार के से गलती तो नहीं कर रहा, अच्छी मूवमेंट दिखा, एक बॉडी शॉट भाई, 43 का लगता है और डेजर्ट से ख़त्म। भाई इसका ज़्यादा हो रहा है, अब इसने 2 राउंड जीत लिया तो अपने आप को ज़्यादा प्रूफ नजर होगा, इसको तो हराना पड़ेगा इस राउंड में। देखो भाई मैं इसे ख़त्म करके रहूँगा। सबसे पहले वेस्ट और हेलमेट ले लेता हूँ और गन तो मैं आगे से उठाऊँगा, ग्लू वॉल भी आगे ही मिल जाएगी। इस राउंड में गया भाई, इतना बुरा हेडशॉट मारा था इससे पिछले राउंड में, मुझे इसका बदला तो लेना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी प्रो है, क्या पता मैं हार जाऊँ। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा इस मैच में। अरे भाई साहब कितना तगड़ा हेडशॉट, शादी ख़त्म हो गई थी। और काफ़ी अच्छा भी दिखा रहा है यार, वो बच रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इधर गया, पीछे साइड गया, पीछे की साइड चला गया शायद। वैसे गन भी मेरे पास तगड़ी है और उसके पास M10 है भाई, शॉर्ट रेंज में मेरे को लड़ने की सोच ही नहीं भी नहीं चाहिए। M10 का अलग ही भोकाल है। निकला लूल लूल, और अभी निकल भाई है। इसका अलग ही मतलब हुआ एक बॉडी शॉट, बच्चे ये M240 बेकार है यार, मेरे पास इसकी कोई स्किल नहीं है इसलिए अच्छी नहीं चल रही। M18 बढ़िया है, ये पैक क्यों कर लेता है हर बार, पैक में क्या करेगा पता नहीं, डैमेज लगी ना लगी ये पैक कर लेता है यार हर बार। और एक और बॉडी शॉट लग गया यार, ऐसे बॉडी लग रहे हैं यार, मैं हेडशॉट की ट्राई कर रहा हूँ, चैलेंज दिया था मैंने हेडशॉट का, ऐसे कैसे चलेगा। फिर से पैक हो गया वो, ठीक है M10 खा लेता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है निकल भाई, निकल भाई, मैंने जीतना है यार, मुझे इस बार चैलेंज दिया है मैंने जीतने का और हेडशॉट का, अरे निकल जा। ठीक है, तो वेट कर लेता
बम निकलेगा, निकला नहीं, बच गया। हेडशॉट ही मारूंगा, कुछ भी हो जाए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।